हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए, लगभग 1.5 महीने का समय बीत गया है। इस दौरान मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया गया, ना ही आपके सितंबर मंथ के करंट अफेयर के वीडियो सीरीज अपलोड किए गए हैं और ना ही इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो सीरीज आगे बढ़े हैं। अगर यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रहा है तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। वैसे तो मैंने अपना प्रॉब्लम YouTube के कम्युनिटी टैब में आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर किया हुआ है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि YouTube पर वीडियो क्यों नहीं आ रहे, और कुछ स्टूडेंट कुछ उठपटांग से कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि CGPSC ई पाठशाला YouTube चैनल बंद हो गया, जो CGPSC ई पाठशाला वाले सर है उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, हम उनके भरोसे करंट अफेयर का तैयारी करते थे, नोट्स बनाते थे, अब उन्होंने हमें वीडियो प्रोवाइड कराना बंद कर दिया, सर का खुद का अपना एक पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो सर उन बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, YouTube पर वीडियो प्रोवाइड कराना बंद कर दिए। देखिए, ऐसे उठपटांग और गलत कमेंट मत किया कीजिए। मैं 2016 से YouTube पर मौजूद हूं, 2016 से लेकर के अभी तक आप लोगों को लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराता आ रहा हूं। मैं YouTube को कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन बैचेस बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं YouTube को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी शुरुआत ही YouTube से हुई है। ठीक है, तो कभी भी उठपटांग कमेंट मत किया कीजिए। देखिए, अगर YouTube पर वीडियो नहीं आ रहे तो उसके कुछ कारण है। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज है, मेरी माताजी का कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है, जिस कारण से जो है अभी जो मेरी समस्याएं हैं वो मेरे हाथों से बाहर है। मुझे शहर से काफ़ी दिनों के लिए बाहर रहना पड़ रहा है, शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो इस कारण से मैं एक जगह रह करके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आप YouTube पर ही नहीं, जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच बनाया गया था 1 अगस्त वाला, उस बैच के भी वीडियो अपलोड होना अभी बंद कर दिया गया है। लगभग 10 से 15 दिन के लिए उन लोग के भी बैच को रोका गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं, कभी कभार क्या होता है, कुछ समस्याएं हमारे सामने ऐसी आती है जो हमारे भी कंट्रोल से बाहर होती है। तो YouTube, देखिए ये श्योरिटी रखिए, अगर मेरी शुरुआत YouTube से हुई है तो मैं YouTube को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं बाकी चीज़ों को बंद कर दूंगा लेकिन YouTube छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, इतना विश्वास रखिए, क्योंकि जिस चीज़ से मेरी शुरुआत हुई है उस चीज़ के साथ मैं कभी भी धोखा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, बीच में अगर कुछ ऐसी समस्याएं आती है जैसे कि अभी वर्तमान में आई है, उस कंडीशन में बीच में वीडियोस रुक सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास रखिएगा जो आप लोगों का सीरीज चलता आ रहा है करंट अफेयर का और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का, वो सीरीज कभी भी बीच में ब्रेकडाउन नहीं होगा। देखिए, अभी आप लोगों का सितंबर महीने का करंट अफेयर का वीडियोस नहीं आया है, मैं मानता हूं, और वो वीडियोस आएंगे नहीं आएंगे मैं ये भी नहीं बता सकता, लेकिन सितंबर महीने के वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अगर मैं वेट करूंगा तो आपके अक्टूबर महीने के करंट अफेयर का वीडियो सीरीज भी रुक जाएगा। अभी मुझे 1 दिन का समय मिला है और मुझे पता है कि अगर मैं अभी करंट अफेयर अक्टूबर महीने का अपलोड नहीं करता हूं तो यह भी सितंबर महीने करंट अफेयर की तरह छूट जाएगा। इस कारण से अभी समय मिला है तो अक्टूबर महीने करंट अफेयर को वीडियो का जो वीडियो है उसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन ऑनलाइन बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आप लोगों का भी अभी वीडियो रुका हुआ है, 4-5 दिन आप लोग और वेट कीजिए, अक्टूबर माह के एंड तक आप लोगों का पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ दिन वेट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले नंबर पर है आपकी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं अभी हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी। देखिए, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट कहां पर है, यह है आपके बिलासपुर में। तो बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं अरूप कुमार गोस्वामी, या इन्हें इनका ही शॉर्ट नेम आएगा एके गोस्वामी, अरूप का ए कुमार का के गोस्वामी, एके गोस्वामी या अरूप कुमार गोस्वामी, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, ये 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14th यानी कि 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है आपके अरूप कुमार गोस्वामी, जिन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई राज्यपाल अनुसुईया उके के द्वारा। राज्यपाल अनुसुईया उके के द्वारा इन अरूप कुमार गोस्वामी को मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। देखिए, ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात क्या है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इनसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे आपके PRR मेनन। PRR मेनन जो है ये हमारे प्रदेश के 13वें यानी कि 13th नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद हमारे प्रदेश के 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अरूप कुमार गोस्वामी। देखिए, PRR मेनन के बाद कुछ समय के लिए हमारे प्रदेश के कार्यवाहक न्यायाधीश थे आपके प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जिनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे आपके अरूप कुमार गोस्वामी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
तो ध्यान समझिएगा। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पी आर आर मेमन, जिनका ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के पश्चात छत्तीसगढ़ में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त था। कुछ समय के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे आपके प्रशांत कुमार, लेकिन हाल ही में हमारे प्रदेश के 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, वो है आपके अरूप कुमार गोस्वामी। इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना है, क्रमांक भी याद रखना है, कौन से नंबर के है, ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं। और इनसे पहले कार्यवाहक कौन थे, प्रशांत कुमार, जो हमारे प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे आपके अरूप कुमार गोस्वामी से पहले। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, देखिए ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी आपका 11 अक्टूबर 2014 से। 11 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना क्या है, देखिए जो आपके सांसद है, सांसद मतलब लोकसभा और आपके राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उन्हें सांसद कहा जाता है। तो सांसद अपने क्षेत्र के एक आदर्श ग्राम का चयन कर उसका विकास करेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ऐसे सांसद जिनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा हो या राज्यसभा, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, अपने निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी एक गांव को वो गोद लेंगे और उसे आदर्श ग्राम के रूप में उसे विकसित करेंगे। यानी कि गाँव की जो मूलभूत आवश्यकता है, पेयजल आपूर्ति, सड़क, विद्युत, बिजली, स्ट्रीट लाइट, ये सारे चीजें जो एक आदर्श ग्राम में होने चाहिए, वो सारे ये जो है ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सांसद अपने गांव का विकास करेंगे। देखिए सांसद अपने क्षेत्र के एक आदर्श ग्राम का चयन कर उसका विकास करेंगे, ये है आपके सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2014 को इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। देखिए इस योजना में 2014 से लेकर के 2019 तक चरणबद्ध तरीके से सांसदों को 3 गांव गोद लेने थे। यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत कब हुई थी, 11 अक्टूबर 2014 को, 2014 से लेकर के 2019 तक इस योजना के तहत सांसदों को अपने क्षेत्र से 3 गांवों का चयन कर, 3 ग्रामों का चयन कर उनका विकास करना था। तो देखिए ये जो आपका विकास के लिए जो आपकी लागत आती, जो राशि जो आपकी व्यय होती, वो सांसदों की सांसद निधि कोष से व्यय होगी। ठीक, अब देखिए अभी ये हाईलाइट में क्यों आया, ये योजना कब शुरू हुआ था आपके वर्ष 2014 में, अभी कौन सा वर्ष है, वर्ष 2021। देखिए इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2019 तक के स्थिति में पूरे भारत भर में 2314 ग्राम पंचायत जो है इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के रूप में चयनित हुए हैं, और इन ग्राम पंचायतों में 53,252 परियोजनाओं का संचालन भी हो रहा है। देखिए अभी ये जो आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो परियोजनाएं चलाए जा रहे हैं, जो विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उनके क्रियान्वयन के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है आपका गुजरात, और चौथे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, जो कि इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चलाई जा रही परियोजना विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन यहां पर है आपके 79.67%। ठीक है, और इस 79.67% के साथ जो है हमारा छत्तीसगढ़ इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में चौथे नंबर पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहला चीज तो ये डेट, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, 11 अक्टूबर 2014 को हुई। इसकी पृष्ठभूमि यानी कि जो सांसद है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके देखें तो सांसदों की कुल संख्या कितनी होगी, वो होगी आपकी 16। ठीक है, सांसदों की लोकसभा के टोटल 11 सदस्य, राज्यसभा के 6 सदस्य, राज्यसभा के आपके 5 सदस्य, दोनों को मिला करके टोटल होते 16। हमारे छत्तीसगढ़ में 16 आपके सांसद मौजूद है। तो ये जो सांसद है हर अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गांव का चयन करेंगे, 2014 से लेकर के 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 3 गांवों का चयन करके उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की मुख्य उद्देश्य था। अभी वर्तमान स्थिति में यानी अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में पूरे भारत भर में से 2314 ग्राम पंचायत जो है आदर्श ग्राम के रूप में चुने जा चुके हैं, और जहां पर आपके 53,252 परियोजनाएं इनका क्रियान्वयन हो रहा है, और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा, ठीक है, जो पुरुष जो पहनते हैं एक दुपट्टा की तरीके का, वो कहलाता है आपका गमछा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा, जिसे वेलकम गमछा यानी कि स्वागत करने वाला गमछा भी कहा जाता है, इसे लॉन्च किया गया है 14 अक्टूबर 2021 को। 14 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा लॉन्च किया गया है। देखिए, ये जो गमछा होगा, इस गमछे में चित्रकारी है। कैसी कैसी चित्रकारी है इसमें? प्रदेश के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैने का चित्रकारी किया गया है, उसमें राजकीय पशु वन भैंसा बना हुआ है, उसमें मांदर बना हुआ है, उसमें आपके गौर मुकुट, जो आपके माड़िया जनजाति के लोग जो मुकुट पहनते हैं, गौर मुकुट बना हुआ है, उसमें धान की बाली हल जोतता हुआ किसान का अंकन है, और साथ ही साथ सरगुजा में जो आपकी रजवार भित्ति चित्रकारी जो काफी प्रसिद्ध है, वो भी बने हुए हैं इस गमछे में। अगर कोई भी आपके दूसरे राज्य के कुछ प्रमुख राजनेता या दूसरे राज्य की कुछ सेलिब्रिटी हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आएंगे, तो उनके स्वागत में उन्हें गमछा उड़ाया जाएगा, उन्हें गमछा दिया जाएगा, जिस गमछे में हमारे छत्तीसगढ़ के आपके राजकीय पशु, छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ जो आपका प्रसिद्ध है धान के कटोरे, वो सारे चीज उकेरे हुए हैं उस गमछे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, ये जो आपके गमछा है, गमछा की दो वैरायटी है, एक सिल्क का गमछा यानी कि रेशम का बना हुआ गमछा है, और दूसरा है आपका कॉटन का गमछा यानी कि सूती का बना हुआ गमछा है। जो आपका सिल्क का गमछा है, ये थोड़ा महंगा है, यानी कि 1534 रुपए प्रति नग है, जबकि जो सूती यानी कि जो कॉटन का गमछा है, उसकी लागत है यानी कि वो आपको मिलेगा मार्केट में 239 रुपए प्रति नग। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है हमारे प्रदेश का एक राजकीय गमछा है, ठीक, जिसे छत्तीसगढ़ के जो आपके स्थानीय बुनकर, छत्तीसगढ़ के स्थानीय बुनकर हस्तशिल्पकारों के द्वारा इसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, गोबर से बिजली। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा गोबर से बिजली बनाए जाने की शुरुआत की गई है आपके गांधी जयंती के अवसर पर। 2 अक्टूबर 2021 को बेमेतरा जिले से गोबर से बिजली बनाने की योजना की शुरुआत की गई। देखिए, ध्यान समझिएगा, आपको पता होगा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश सरकार गोबर की खरीदी करती है, गोबर की खरीदी करती है 2 रुपए प्रति किलो की दर से, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी करती है, और उस गोबर का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में इस आपके गोबर का उपयोग किया जाता है। अब उस गोबर का अलग प्रकार से उपयोग करने की तैयारी कर रही है हमारी प्रदेश सरकार, यानी कि गोबर से बिजली बनाए जाने की योजना है। देखिए, इसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2021 को बेमेतरा जिले से। इस योजना के तहत प्रति यूनिट यानी कि जहां पर भी इस योजना की शुरुआत की जा रही है वहां पर एक यूनिट स्थापित किया जाएगा, यानी कि गोबर से बिजली बनाने का एक यूनिट, एक इकाई स्थापित की जाएगी, और हर एक यूनिट से 150 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। देखिए, इसका उपयोग किस प्रकार से होगा, जो आपके जो गौठान बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो जगह जगह पर जो गौठान बनाए गए हैं, उस गौठान के समीप, उस गौठान के समीप में जो है आपके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जहां पर जो है आपके जो लघु उद्योग, जो आपके हाथ से बनाने वाले जो आपके जो छोटे मोटे उद्योग है, ठीक है, ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाया जा रहा है रूरल, देखिए अभी हाल ही में जो आपका जो बजट पेश किया गया था, उस बजट में हमारे प्रदेश सरकार ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, जहां पर छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो छोटे उद्योगों में जो भी मशीनें लगेगी, उस मशीनों को बिजली की आपूर्ति किया जाएगा इसी गौठान से निकलने वाले गोबर से बनने वाली बिजली से। ठीक है, देखिए, शुरुआती तौर पर जो है 3 गौठानों में इस गोबर से बिजली बनाए जाने की शुरुआत की जा रही है। एक है आपका राखी जो कि मौजूद है बेमेतरा में, दूसरा है आपका सिकोला जो मौजूद है दुर्ग में, और तीसरा है बनचौरा जो कि मौजूद है आपके रायपुर में। शुरुआत की गई इसकी बेमेतरा जिले से, और साथ ही साथ प्रारंभिक तौर पर इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा रहा है बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्री धन्वंतरी दवा योजना। श्री धन्वंतरी दवा योजना जिसकी शुरुआत की जाएगी 20 अक्टूबर 2021 से, ठीक है, अभी आने वाले समय में 20 अक्टूबर 2021 से इस श्री धन्वंतरी दवा योजना की शुरुआत की जाएगी। अभी श्री धन्वंतरी दवा योजना है क्या, समझिएगा, दवाई के MRP में 50% की छूट दी जाएगी। जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसे उन्हें जो है आपके रियायती दर पर दवाई उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि जो दवाई की जो आपकी MRP
एमआरपी रेट है, ठीक है, जो उसका जो एमआरपी रेट है, जो उसमें अंकित मूल्य है, उसमें 50% यानी कि आधा 50% छूट के साथ उन्हें दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये जो आपकी जो योजना है, ये इस श्री धनवंतरी दवा योजना के तहत 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके श्री धनवंतरी जो योजना है ये आपके शहरी क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे इस श्री धनवंतरी दवा योजना के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आम जनता को उच्च गुणवत्ता वाली जो दवाइयां है वो रियायती दर पर उपलब्ध कराना। 20 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना की शुरुआत 85 मेडिकल स्टोर्स के उद्घाटन के साथ होगी। देखिए इस योजना के तहत टोटल 188 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे, लेकिन जो आपके 20 अक्टूबर को जब इसकी शुरुआत हो रही है, जब शुभारंभ हो रहा है, उस दिन 85 मेडिकल स्टोर्स के साथ इस श्री धनवंतरी दवा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। धनवंतरी कौन है, देखिए धनवंतरी जो है हमारे भारतीय इतिहास में आयुर्वेद के एक ज्ञाता थे, ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, धनवंतरी जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में मौजूद थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। धनवंतरी कौन थे, धनवंतरी जो है आयुर्वेद के ज्ञाता थे, चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद भी एक क्षेत्र है, उस आयुर्वेद क्षेत्र के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे और आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता थे। और जो आपके धनवंतरी है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में मौजूद थे, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। शुरुआत कब हो रही है, डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग का प्रस्ताव। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में जो आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग का दर्जा दिए जाने का एक प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए ये है क्या, ये जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स प्रदान किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाले या बनाई जाने वाली उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि कोई आपका एक राज्य हो गया या कोई एक क्षेत्र हो गया जहाँ जिसकी पहचान ही वो उत्पाद है, यानी कि उस क्षेत्र में केवल उसी क्षेत्र में उस फसल की या उस उत्पाद का जो है आपका उत्पादन होता है या वो आपका उत्पाद जो है बनाई जाती है, उसे उसका जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग प्रदान किया जाता है। देखिए अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जीआई टैग प्रदान किया गया है जीराफुल को। अगर इस नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिलेगा तो ये हमारे प्रदेश का दूसरा आपका जीआई टैग प्राप्त होने वाला उत्पाद बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में किसे प्राप्त है, जीराफुल को प्राप्त है। अभी नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है, मिला नहीं है, प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे प्रदेश में धान का म्यूजियम भी मौजूद है जो कि इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है। यहाँ पर आपके 24,000 से अधिक धान की किस्में मौजूद है, 1,009 तिवरा की किस्में और 2,000 से अधिक अलसी की किस्में मौजूद है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में धान म्यूजियम कहाँ पर पूछा जाए तो रायपुर जिले में इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राजीव युवा मितान क्लब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते चलिए। देखिए राजीव युवा मितान क्लब, इसका शुभारंभ किया गया 18 सितंबर 2021 को राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया गया। इस राजीव युवा मितान क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है, युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ना एवं उन्हें विकास कार्यों में उनकी सहभागी सुनिश्चित करना। देखिए ये राजीव, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, राजीव युवा मितान क्लब इसकी शुभारंभ या इसकी शुरुआत कब की गई, 18 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। देखिए प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायत एवं नगरी निकायों में 13,269 क्लब स्थापित किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत और नगरी निकायों में 13,269 क्लब स्थापित किए जाएंगे। देखिए
ऐसे वार्ड जहां पर आबादी 2500 से अधिक है वहां पर दो किसान युवा मितान क्लब की स्थापना की जाएगी। इस राजीव युवा मितान क्लब, इसमें जो आपके जो सदस्य होंगे, जो इससे सदस्य बनेंगे, उनकी आयु की जो सीमा है वो होगी 15 से लेकर के 40 वर्ष। 15 से लेकर के 40 वर्ष आयु वर्ग के युवा इसके सदस्य बन सकते हैं। और प्रत्येक क्लब में कम से कम 20 सदस्य और अधिक 40 सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। और इसमें जो आपके जो सदस्य जो बनेंगे उसमें एक तिहाई महिला सदस्यों की भागीदारी होनी आवश्यक है। देखिए, पूरे के पूरे ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब बनाए जाएंगे। और इसकी योग्यता क्या है, इसमें 15 से लेकर के आपके 40 वर्ष आयु वर्ग के युवा इसके सदस्य बन सकते हैं। 2500 से अधिक आबादी वाले वार्ड में दो क्लब बनाए जाएंगे। और इसमें जो आपके हर एक क्लब है, प्रत्येक क्लब में सदस्यों की संख्या मिनिमम 20 मैक्सिमम 40 होगी। और इनमें जो कुल सदस्य होंगे उसमें एक तिहाई महिला सदस्य होनी आवश्यक है। इसका जो इसके इस क्लब के संचालन के लिए 25,000 रुपये प्रति तिमाही प्रदान की जाएगी। प्रति माह नहीं, हर 3 महीने में 25,000 रुपये की राशि इस क्लब के संचालन के लिए प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ इस क्लब की निगरानी किया जाएगा आपके कलेक्टर और SDM यानी कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा और कलेक्टर के द्वारा इन क्लब की निगरानी की जाएगी तथा इस क्लब के संरक्षक होंगे आपके प्रभारी मंत्री। आपको पता होगा भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा हर एक जिले का एक प्रभारी मंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो जिस जिले का जो प्रभारी मंत्री होगा वो इस क्लब का संरक्षक होगा, निगरानी किया जाएगा कलेक्टर और SDM के द्वारा, और साथ ही साथ बहुत से समितियों का गठन किया जाएगा। एक समिति जो कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है, दूसरी समिति जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है, और जो आपकी कुछ अन्य समितियां भी है जो कि जिला स्तर पर और जनपद स्तर पर गठित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2020 में इस राजीव युवा मितान क्लब का प्रतीक चिन्ह का भी विमोचन किया जा चुका है। इस योजना की शुरुआत तो अभी हो रही है, लेकिन जो इसका लोगो है, जो इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका विमोचन जनवरी 2020 में युवा महोत्सव के दौरान ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसके प्रतीक चिन्ह का विमोचन कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए कुछ मिसलेनियस है जिसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, हमारे प्रदेश में 28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है, डेट से प्रश्न पूछा जाता है। 28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक 3 दिवसीय जो है आपका अक्टूबर का महीना देख लीजिएगा, ठीक है। 28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक जो है आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे नंबर 111। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया कि नेशनल हाईवे नंबर 111 बनाए जाने का प्रस्ताव ठंडे वस्ते में चला गया है, बना नहीं है। ये जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 111 है ये रतनपुर से स्टार्ट होकर, यानी कि रतनपुर बिलासपुर से स्टार्ट होकर के नारायणपुर बारसूर दंतेवाड़ा को कनेक्ट करते हुए सुकमा जिले के कोंटा में जाकर के एंड होता, इसका प्रस्ताव बना हुआ है, लेकिन ये अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी जो है सरकार इस सड़क को बनाने पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिए नेशनल हाईवे नंबर जो 111 है ये रतनपुर से स्टार्ट होकर के कोंटा में एंड होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए हस्तशिल्प महोत्सव 2021। हस्तशिल्प का मतलब हाथ से बनाए जाने वाले शिल्प, हाथ से बनाए जाने वाले शिल्प यानी कि इसमें बांस शिल्प भी आते हैं, पत्ता शिल्प भी आते हैं, कंघी शिल्प भी आते हैं, मिट्टी के शिल्प भी आते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी कारीगरी जो हाथ से बनाई जाती है, ठीक है, चटाई का निर्माण हो गया या फिर आपके सजावटी वस्तुओं का निर्माण हो गया, तो ये हस्तशिल्प महोत्सव 2021 इसका आयोजन किया गया अभी अक्टूबर के महीने में कोडानार कोंडागांव जिले के कोडानार में इस हस्तशिल्प महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 15वें जैन तीर्थंकर धर्मराज जी। देखिए आपको पता होगा कि जो आपके जैन धर्म है, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों में से 15वें नंबर के तीर्थंकर थे आपके धर्मराज जिनका प्रतीक चिन्ह था आपका वज्र। हर एक तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो धर्मराज का प्रतीक चिन्ह था आपका वज्र, और इनका अभी एक विशाल मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है आपके रायपुर में जो आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है उसके जस्ट सामने आपके 15वें जैन तीर्थंकर का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है शहद कंपनी। देखिए हमारे प्रदेश में शहद जो है एक आपका वनों में पाया जाने वाला एक प्रमुख उत्पाद है,
तो इस शहद को एकत्र करने के लिए कंपनी का निर्माण किया जा रहा है और इसका निर्माण कर रही है आपकी ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड के द्वारा आपके इस शहद एकत्र करने के लिए कंपनी का गठन किया जा रहा है। इसमें 3 जिले शामिल किए गए हैं, बिलासपुर, सरगुजा और आपका बीजापुर, जहां पर आपके 600 किसानों को मिला करके 600 किसानों को मिला करके एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से 600 के समूह में 3 कंपनी बनाई जा रही है, जो कि बिलासपुर, सरगुजा और आपके बीजापुर जिले से शहद एकत्र करने का कार्य करेगी, ठीक है। तो यह है आपकी करंट अफेयर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके राजीव युवा मितान क्लब, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं वो है आपके 20 से 40, आयु सीमा क्या है 15 से आपका 40 वर्ष, ठीक। महिला सदस्यों की भागीदारी, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संचालन के लिए कितनी राशि लग रही है, कितने क्लब गठित किए जाएंगे, श्री धनवंतरी दवा योजना क्या है, गोबर से बिजली क्या है, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।